हेलो गाइस, वेलकम टू हाउ टू मैनुअल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप अपना स्मार्टफोन को कैसे वेबकैम जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं जब भी लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगर आप अपना स्मार्टफोन को वेबकैम जैसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए दो मेथड है, एक है वाईफाई थ्रू और एक है यूएसबी केबल थ्रू। तो आप अगर वाईफाई थ्रू यूज़ करना चाहते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। वाईफाई स्पीड अगर आपका ज़्यादा नहीं होगा तो आपको वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो मिसमैच, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यूएसबी केबल के थ्रू कैसे करते हैं ये आपको दिखाऊंगा, और वाईफाई वाला मेथड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी चलो यूएसबी वाला मेथड दिखा देता हूँ। आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लो, उसके बाद आ जाओ सर्च बार में, यहाँ पे आप टाइप करो IVCAM। उसके बाद जो आपका पहला लिंक आएगा उसमें क्लिक करो, ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ ऑप्शन है, अगर आपको विंडोज़ है आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, 17 MB का सॉफ्टवेयर है, 17 MB। उसके बाद आपको अपना फ़ोन में भी इंस्टॉल करना है, वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च कीजिए IVCAM, देन सर्च कर दीजिए, ये वाला सॉफ्टवेयर आ जाएगा। बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, 3 MB का। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। USB के थ्रू अपना फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपका फ़ोन में USB डिबगिंग ऑन करना है। ये कैसे ऑन करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले अपना फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, देन अबाउट फ़ोन ढूंढिए, उसके बाद उसके ऊपर टच, अंदर जाके अपना बिल्ड वर्सन ढूंढना है, जो कि मेरा ये है MIUI वर्सन। इसके ऊपर आपको 5 से 7 बार बहुत जल्दी टच करना है ऐसे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है कि यू आर नाउ ए डेवलपर, मतलब मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया। अभी बैक जाना है आपको, यहाँ पे आके आपको ढूंढना है कि डेवलपर ऑप्शन आया कहाँ पे। आपको यहाँ पर ही रहना चाहिए, अगर नहीं आया तो ये देखो मेरा एडिशनल सेटिंग्स है, इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मेरा ये ऑप्शन डेवलपर ऑप्शन, इसके अंदर जाना है। यहाँ पर USB डिबगिंग जो कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर है, इसको ऑन कर देना है, इसको कर देना है। ओके, USB डिबगिंग ऑन हो गया। अभी आप देख सकते हैं मैं कैमरा ऑन किया है। तो आपको पहले अपना कंप्यूटर का कैमरा ऑन करना है, उसके बाद अपना फ़ोन का IVCAM ऑन करना है। तो उसके बाद ये अपने आप USB से अगर कनेक्ट है तो अपने आप ये ऑन हो जाएगा फ़ोन का कैमरा, और आपको अपना कंप्यूटर में दिखने को मिल जाएगा। अभी आप कुछ चीज़ आप अपने कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अपना फ्लैश, आप अपना फ़ोन का फ्लैश यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये वाला ऑप्शन से आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा दिखने को मिलेगा, और कुछ नहीं है। और अभी यहाँ से आपको ये फ्लिप, अब इसको रोटेट कर सकते हैं, और इसको आप मिरर भी कर सकते हैं। अभी आप कैमरा को फ्रंट कैमरा पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप फ़ोन का स्क्रीन को ऑफ़ कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि फ़ोन का स्क्रीन ऑफ हो जाए, इससे आपका कैमरा ऑफ़ नहीं होगा, आपका कैमरा रहेगा, आपका फ़ोन का स्क्रीन जस्ट ऑफ हो जाएगा, तो आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। IVCAM के सेटिंग में जाके फ्रेम रेट को 60 कर देना है, और वीडियो क्वालिटी को हाई कर देना है। अब वीडियो साइज़ को आप 1920 कर सकते हैं, बट 720 भी ठीक ही रहेगा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।